दोस्तों, एक आदमी जो किसी वजह से अपनी वाइफ के फोन में एक स्पाई ऐप इंस्टॉल कर देता है, जिस वजह से उसकी अपनी वाइफ पर पूरी नजर होती है दिन रात। यहाँ शुरुआती दिन तो सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है और उस आदमी की जिंदगी बदल जाती है। तो कैसे बदल जाती है उस आदमी की जिंदगी? वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं ऑल द मुकम, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए इस मिस्ट्री को देखने के लिए। मूवी की शुरुआत में मार्टिन और लिना नाम के कपल को देखते हैं, जिनकी कुछ समय पहले अभी शादी हुई है और दोनों काफी फन नेचर वाले लगते हैं। अब एक सुबह जब लिना खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, तभी मार्टिन वहां पर कैमरा ऑन करके आ जाता है और लिना की रिकॉर्डिंग करने लगता है। उसी वक्त लिना को किचन में एक पेपर नोट मिलता है, जिसमें घर के एक दूसरी लोकेशन होती है जहां पर जाकर लिना को आगे के नोट्स मिलेंगे। ये सब कुछ असल में मार्टिन का ही प्लान होता है, क्योंकि उसे लिना को मैरिज एनिवर्सरी का एक गिफ्ट देना है इस सरप्राइज तरीके से। लीना सभी नोट्स को फॉलो करते हुए आखिरी नोट पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे बेडरूम का कबर्ड खोलने के लिए कहा जाता है। लीना उसे फॉलो करते हुए कबर्ड को खोल देती है। ओह, पर यहां बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। मार्टिन जो तब से मुस्कुराते हुए रिकॉर्ड कर रहा था, और ये मुस्कुराहट इसीलिए होती है क्योंकि जल्दी उसके सरप्राइजेस से लीना हैरान होने वाली होती है। पर जैसे यहां पर कबर्ड खुलता है, हम देखते हैं कि यहां पर मार्टिन बहुत हैरान है और लीना तो गिफ्ट को देखकर नॉर्मल एक्ट कर रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्टिन कबर्ड में जो गिफ्ट देख रहा है वो उसका गिफ्ट नहीं है, ये वो गिफ्ट है ही नहीं जो उसने लीना के लिए लिया था। जिसके बाद लीना मार्टिन को कबर्ड में रखे हुए सारे गिफ्ट देते हुए कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी हस्बैंड जी, मुझसे कुछ नहीं छुपता। और फिर लीना बताती है कि उसने रात में ही उन नोट्स को देख लिया था और उसे सरप्राइजेस के बारे में पहले पता चल चुका था, इसलिए उसने अपना गिफ्ट पहले लेकर मार्टिन के लिए वहाँ पर गिफ्ट रख दिया। यानी कि ये गिफ्ट लीना ने मार्टिन के लिए रखा हुआ है। वाओ, अब मार्टिन का सरप्राइज तो फेल हो गया, इसलिए वो इस सोच में पड़ जाता है कि मैं कैसे लीना को अगली बार कुछ बहुत बढ़िया सरप्राइज दूं। इसी सोच में वो अपने ऑफिस चला जाता है और वहाँ पर काम करते हुए इस बारे में सोचता ही रहता है। तभी मार्टिन को उसके रियल एस्टेट पार्टनर पॉल का कॉल आता है। असल में मार्टिन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है और वो कंपनी पॉल के डैड थॉमस की है, इसी वजह से पॉल एक तरह से मार्टिन के लिए बॉस जैसा ही है। अब मार्टिन पॉल से प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस करता है, जिसके बाद वो पॉल से कहता है कि मुझे बंसल का मैनेजर बार बार कॉल कर रहा है, शायद बंसल को मुझसे कुछ बात करनी है। जिस पर पॉल कहता है कि तुम एक बार ना उससे जाकर मिलो। बंसल भी दोस्तों एक रियल एस्टेट कंपनी का ओनर है और इनकी कंपनी का वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी है। आगे मार्टिन फिर से अपने काम में लग जाता है, जहां उसका जूनियर राम उसके कैबिन में आता है, जिससे मार्टिन वैसे काफी फ्रैंक होता है। मार्टिन तब राम से पूछता है कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम उसको क्या गिफ्ट दोगे, ऐसा कोई जिस पर वो बहुत सरप्राइज हो जाए। तो इसके जवाब में राम कहता है कि मैंने उसके बर्थडे पर उसे फोटोज और वीडियोस का एक कोलाज बनाकर दिया था, जिसमें उसकी बहुत सारी सीक्रेट क्यूट फोटोज और रिकॉर्डिंग्स भी थी, और ये सारी मैंने बहुत ही सीक्रेटली निकाली थी। उसके लिए पता है मैंने क्या किया? उसके लिए मैंने छुपकर उसके फोन में हिडन फेस नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लिया, जिसके जरिए मैं हमेशा उसके फोन के कैमरे का एक्सेस कर पाता था। अब ये सुनकर मार्टिन सोचने लग जाता है कि वाओ यार, ग्रेट आइडिया, अगर मैं भी लीना को ऐसा कोई गिफ्ट दे दूं तो वो और खुश और सरप्राइज हो जाएगी, और लीना को इस बात का आइडिया भी नहीं होगा कि मैं उसकी ऐसी फोटोज और वीडियोस कब निकाल रहा हूं। ये फैसला करते हुए मार्टिन रात में चुपके से लीना के फोन को लेकर उसमें ये हिडन फेस वाला ऐप इंस्टॉल कर देता है और उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट भी कर लेता है। जिसके बाद अगले दिन जब मार्टिन ऑफिस पहुंचता ही है, तो वो ऐप को टेस्ट करने का फैसला करता है कि चलो देखता हूँ कैसे काम करता है ये। इसके लिए वो सबसे पहले अपने लैपटॉप में ऐप को ऑन करता है और उसे सीधा लीना के फोन के कैमरे का एक्सेस मिल जाता है। मार्टिन ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और लगभग पूरा दिन वो लीना को ही देखता रहता है, जहां वो उसी बीच में उसके ढेर सारे फोटोज और वीडियोज निकालता है। अब शाम को मार्टिन काम खत्म करके बंसल से मिलने जाता है, जहां बंसल उसको आते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी से लेकर कंपनी में तुम्हारी पोजीशन के बारे में सब पता है, लगता नहीं वो लोग तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे साथ आ जाओ और अच्छे पैसे कमाओ। दोस्तों, बंसल इसीलिए कह रहा है क्योंकि जिस कंपनी में अभी मार्टिन काम कर रहा है वो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है, और अब वो चाहता है कि मार्टिन उसकी रियल एस्टेट कंपनी में काम करे। इस ऑफर को सुनने के बाद मार्टिन अपना जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं लगाता और उसके ऑफर को वहीं पर रिजेक्ट कर देता है। मार्टिन आगे बंसल को इसका कारण भी बताता है कि मेरे पिता और पॉल के पिता थॉमस एक साथ जॉब के लिए असम गए थे, जहां उन्हें जॉब भी मिल गई थी, पर कुछ समय के बाद मेरी माँ की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई, जिसके बाद मेरे पिता बीमार रहने लगे और उस वक्त मुझे थॉमस अंकल ने संभाला था। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा था, मेरी पढ़ाई, मेरी जॉब से लेकर सब कुछ, कपड़े लत्ते लेकर, यहाँ तक कि मेरी शादी उनकी वजह से ही हो पाई है, इसलिए मैं उनकी कंपनी को छोड़ने के बारे में तो जरा भी नहीं सोच सकता। इतना कहकर मार्टिन वहां से जाने लग जाता है, जिसके पीछे बंसल चिल्लाते हुए उसको कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये सब बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तुम्हें इस गलती के लिए आगे बहुत पछताना पड़ेगा। मार्टिन तब भी बंसल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर आकर लीना के लिए वे फोटोज और वीडियोस को उससे छुपकर एडिट करने लग जाता है। अब अगले दिन जब मार्टिन वापस अपने जॉब पर होता है, तो वो ऐसे ही हिडन फेस ऐप को ओपन करके लीना को देखने लगता है, और इस पॉइंट से चीजें काफी बिगड़ने लग जाती हैं।
यहाँ पर मार्टिन ये गौर करता है कि लीना किससे बातें कर रही है, लेकिन ऐप में ऑडियो का कोई ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो ये नहीं जान पाता कि वो कौन है। मार्टिन फिर से लीना को मैसेजेस करता है ताकि लीना अपने फोन को पिक करके उसे हाथ में ले ले और बैक कैमरे से मार्टिन पीछे देख पाए कि कौन है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि लीना मैसेजेस का रिप्लाई बहुत फास्ट देती है, जिससे मार्टिन को देखने का समय नहीं मिलता कि वहां पर है कौन। अब इससे मार्टिन की बेचैनी बढ़ने लग जाती है, यार बीवी किसी अनजान आदमी के साथ हो, डर तो लगता ही है ना, उसे भी यही हो रहा होता है। मार्टिन उसी रात डिनर करते हुए लीना से उसके पूरे दिन के बारे में पूछता है कि तुमने आज क्या क्या किया, कोई घर पर आया वगैरह वगैरह, जिस पर लीना उसको सब कुछ बताती है, लेकिन उसमें वो इस बात का जिक्र नहीं करती कि उसे मिलने के लिए घर पर कोई आया हुआ था। अगले दिन भी मार्टिन ऐसा ही करता है और इस बार भी उसे लीना किसी से बात करते हुए दिखाई दे रही होती है, और जब लीना उससे बात कर रही थी ना तो वो काफी खुश नजर आ रही थी। मार्टिन तभी उसी समय लीना को कॉल करता है और उसे एक फाइल के बारे में पूछता है जो उसने बेडरूम में रखी हुई है। असल में उसने बेडरूम में कोई फाइल नहीं रखी हुई है, पर वो देखना चाहता है कि लीना इस पर कैसे रिएक्ट करती है। लीना तभी बेडरूम में फाइल चेक करने जाती है पर वहां पर कोई फाइल नहीं होती। वो ये बात मार्टिन को बता देती है और मार्टिन भी कहता है चलो रहने दो मैं खुद आकर देख लूंगा। अब इसे सुनते ही लीना के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं जैसे उसका कोई भांडा फूटने वाला हो। लीना तब जिससे बात कर रही थी उसे वहां से जाने के लिए बोलने लग जाती है और ये चीज मार्टिन कैमरे से देख रहा होता है। लीना फिर किसी तरह उस आदमी को वहां से जाने के लिए जबरदस्ती करती है और उसी वक्त मार्टिन बैक कैमरा ऑन करके देख लेता है। उसे किसी आदमी के पैर घर से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं जो कि बेशक वही आदमी है जो कुछ दिनों से लीना से मिलने आ रहा है। इस इंसिडेंट के बाद मार्टिन पूरी तरह से टूट जाता है। हालांकि अब तक उसे कंफर्म नहीं हुआ है कि लीना उस पर चीट कर रही है, पर जितनी चीजें उसने अभी तक देखी उससे ये कहना भी गलत नहीं है कि लीना उसके अलावा किसी और के साथ नहीं है। ये इंसिडेंट मार्टिन की रातों की नींद छीन लेता है। इसके बाद से वो बस हमेशा इसी सोच में पड़ा रहता है कि कौन है वो आदमी और क्या है लीना का उसके साथ चक्कर। अब एक दिन मार्टिन लीना के सोते वक्त घर के हर कोने में कैमराज लगा देता है, साथ ही में उस स्पाई ऐप में ऑडियो का सिस्टम भी ऑन कर देता है जिससे वो लीना की आवाजें भी सुन सकता है। इतना ही नहीं, वो लीना के व्हाट्सएप को भी अपने फोन में लॉगिन कर लेता है जिससे लीना जो भी चैट्स करेगी वो मार्टिन अपने फोन में देख पाएगा। अगले दिन मार्टिन ऑफिस में बैठकर लीना का व्हाट्सएप चेक कर रहा होता है कि तभी उसको एक आदमी का मैसेज आता है, यानी कि उस आदमी का मैसेज लीना को आता है। मतलब वो आदमी लीना से पूछ रहा होता है कि क्या मैं अभी घर आ सकता हूँ, जिस पर लीना उसको जल्दी घर आने के लिए कह देती है। कुछ ही देर के बाद वो आदमी घर आ जाता है और लीना तब घर में अकेली होती है। वो आदमी फिर लीना से प्यारी प्यारी बातें करने लग जाता है और कुछ देर वहाँ पर रुककर चला जाता है। ये देखकर मार्टिन का दिल और टूट जाता है कि मैंने जिसे अपनी जिंदगी माना, अपना लाइफ पार्टनर माना, धोखा दे दिया मुझे। वो उन दिनों को याद करने लग जाता है जब कॉलेज में उसने पहली बार लीना को देखा था और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ कॉलेज में उसने लीना से धीरे धीरे बातें शुरू की थी और फिर एक वक्त पर जाकर दोनों एक दूसरे के प्यार में हो गए। पर कुछ समय के बाद जब दोनों वापस मिले तब दोनों में फिर से अच्छी दोस्ती हुई जो आकर प्यार में बदल गई और शादी हो गई। अब प्रेजेंट में मार्टिन एक दिन देखता है कि लीना कहीं दूसरी जगह पर जा रही है, जहाँ पर जाकर वो उस आदमी से मिलती भी है जो लीना से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने हस्बैंड को मारना होगा। वो लीना से ये भी पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को मार पाओगी। लीना जवाब देती है हाँ उसे मार दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनकर तो मार्टिन के पैरों तले जमीन ऐसे खिसक जाती है कि बस हवा में हो। वो आदमी आगे लीना को एक जहर का पैकेट देता है और कहता है कि इसे अपने हस्बैंड के खाने में मिला देना जिससे वो सुबह तक आराम से मर जाएगा, और अगर ऐसा ना कर पाओ तो ये गन रख लो इससे उसको मार देना। लीना भी एक धर्म पत्नी की तरह दोनों चीजें घर लेकर आ जाती है, नहीं धर्म पत्नी नहीं कर्म पत्नी, वो कर्म पत्नी सही रहेगा। उसी रात मार्टिन को ऐसा सपना आता है जैसे लीना और वो आदमी मार्टिन को मार रहे हैं। खैर अगले दिन मार्टिन को पता चलता है कि लीना आज भी उस आदमी से मिलने जा रही है, इसलिए वो आज उसका पीछा करने का फैसला करता है। जहां आगे जब वो लीना का पीछा करके उस जगह पर पहुंचता है तो काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। लीना और उस आदमी के बीच किसी वजह से बहस हो जाती है और लीना कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं मार सकती। अब इस पर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और अगले पल लीना उस आदमी की दी हुई गन से उससे ही शूट करके मार डालती है। और तब मार्टिन जो चुपके से ये सब कुछ देख रहा था वो लीना के सामने आता है और पूछता है ये क्या कर रही हो तुम, जिस पर लीना रोते हुए मार्टिन को सब बता देती है और पता चलता है कि ये बंसल का आदमी था जो लीना को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि बंसल के पास एक वीडियो है जिसमें मार्टिन किसी एक लड़की के साथ है और वो वीडियो काफी गंदी है। मार्टिन एक लड़की के साथ, ये क्या चक्कर है, चलो देखते हैं। हालांकि ये आदमी वैसे तो बंसल का काम करने आया था, पर इसी बीच ये लीना को पसंद करने लगा और उससे फेवर्स मांगने लगा। इस वजह से एंड में परेशान होकर लीना ने उसे मार ही दिया। अब ये सारी बातें जानकर मार्टिन समझ जाता है कि लीना उस पर चीट नहीं कर रही थी बल्कि वो उसकी इमेज बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी। हालांकि जिस वीडियो की लीना बात कर रही थी उस पर मार्टिन कहता है कि वो वीडियो एडिटेड है। आगे मार्टिन लीना को घर जाने के लिए कहकर खुद उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है ताकि इस आदमी को मारने का इल्जाम लीना पर ना जाए। उसी बीच मार्टिन को इस आदमी के बारे में पता चलता है कि इसका नाम सूर्या है और इसकी वाइफ मीरा मार्टिन की कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती है। सूर्या कोई जॉब तो नहीं करता था पर बंसल के लिए गुंडागर्दी किया करता था।
मार्टिन फिर सूर्य की लाश को ठिकाने लगा लेता है और घर लौटता है, जहाँ पर रात में लीना उसको बताती है, मुझे उस वक्त बंसल ने तुम्हारे फोन में एक स्पाई ऐप भी डाउनलोड करने को कहा था, जो मैंने तुमसे बिना पूछे कर भी दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाई ऐप के जरिए कोई लाइव मार्टिन को देख रहा है, लेकिन ये आदमी है कौन ये हमें आगे पता चलेगा। मतलब कहां ये मार्टिन स्मार्ट समझ रहा था कि मैंने अपनी बीवी के फोन में स्पाई ऐप डाउनलोड कर लिया, लेकिन किसी ने इसके फोन में डाउनलोड कर लिया, मतलब इसकी बीवी ने इसको पता ही नहीं चला। अब अगले दिन न्यूज पर ऐसी खबर आ जाती है कि मार्टिन ने सूर्य को मार दिया, क्योंकि वो सूर्य की वाइफ मीरा से प्यार करने लगा था। और ये देखकर मार्टिन अपने घर से भाग जाता है और पता करने लग जाता है कि बंसल अब है कहां पर, ताकि वो उसके पास जाकर सारी चीजें ठीक कर पाए। आगे काफी ढूंढने के बाद उसे बंसल मिल भी जाता है, पर यहां मार्टिन सबसे शॉकिंग चीज देखता है, वो ये है कि पॉल बंसल के साथ मिला हुआ है और दोनों में अच्छी दोस्ती है। जिसके बाद मार्टिन पॉल के घर में घुस के उसे कन्फर्ट करता है कि तुम बंसल के साथ क्यों थे, जिस पर पॉल उसे पूरा सच बताता है। और हमें पता चलता है कि मार्टिन के डैड ने असम आने के लिए कुछ समय में यहाँ पर 300 करोड़ की जमीन अपने नाम कर ली, जो चीज पॉल का डैड थॉमस सह नहीं पाया। इसीलिए एक दिन मौका देखकर थॉमस ने मार्टिन के डैड को मार दिया, और ये सच सामने नहीं आने दिया कि मार्टिन के डैड को थॉमस ने मारा है, यानी कि पॉल के डैड ने। आगे मार्टिन को ये पता चल जाता है कि ये लोग उसे भी अब मार देते, पर उन्होंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मार्टिन के मरने के बाद उसके डैड की सारी प्रॉपर्टी एक चर्च को चली जाएगी, इसलिए ये लोग मार्टिन को अपने साथ रख रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। मार्टिन को ये सारा सच पता चल जाता है, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पाता। इससे बुरा तो ये होता है कि अगले दिन मार्टिन को पुलिस अरेस्ट करके लेके चले जाती है और जेल में डाल देती है, जहां से मार्टिन अगले 6 महीने जेल में ही होता है और उसे लीना मिलने आती रहती है। जहां एक दिन एक जेलर लीना को कहता है, लीना थॉमस तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। और ये सुनते ही मार्टिन बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। असल में लीना ने अपना नाम लीना महादेवन बताया था, पर उसका असली नाम है लीना थॉमस, यानी कि वही थॉमस जिसने मार्टिन के डैड को मारा और मार्टिन को इतने सालों तक धोखा दिया। जिससे मार्टिन ये समझ जाता है कि लीना भी मार्टिन को कॉलेज के वक्त से धोखा दे रही है। लीना असल में थॉमस की बेटी है, जिसे थॉमस ने मार्टिन के पास भेजा ताकि वो मार्टिन से शादी करके प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा पा ले और मोस्ट प्रोबेबली पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले वैसे भी। अब लीना समझ गई होती है कि उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो मार्टिन से कहती है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तुम्हें बाहर आने हम देंगे नहीं और तुम्हारे मरने के बाद प्रॉपर्टी अपने आप मेरी हो जाएगी। इतना कहकर लीना हंसते हुए चली जाती है, जिसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जिसकी आंखें पूरी तरह से भर आती हैं। और सच मानिए दोस्तों, ये मूवी का सबसे इमोशनल सीन है, क्योंकि वो बेचारा फंस चुका है। मार्टिन रियलाइज करता है कि आज तक उसने जो जिंदगी जी वो सब छूटी थी। और अब 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहां मार्टिन अभी भी जेल में है और पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन वहीं उसको एक गैंग का लीडर मिलता है, जिसे मार्टिन अपनी कहानी सुनाता है और कहता है, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें मेरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दूंगा। जिसके बाद वो लीडर अपने कनेक्शंस लगाकर अपने आदमियों के जरिए मार्टिन के सभी दुश्मनों तक पहुंच जाता है। और फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम लीना को स्क्रीन पर देखते हैं। मार्टिन उसे कॉल लगाकर कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी वाइफ, मैं जल्दी बाहर आने वाला हूं। और इसी के साथ दोस्तों, ये मूवी यहां पर एंड हो जाती है।